नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे हम हैवी पैंट प्लाजो की कटिंग कैसे करते हैं, जो हैवी साइज होते हैं उनकी कटिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें नाप जानना जरूरी होता है। ये हमने नाप लिखा हुआ है कपड़े के ऊपर ही। जो लेंथ है हमारी 39 तैयार होगी। मोरी का नाप हम 10 इंच रखेंगे तैयार। हिप है यहाँ पे 49 हिप के अकॉर्डिंग मैं आपको आज कटिंग करना बताऊंगा कैसे कटिंग की जाती है, क्योंकि हैवी साइज में कई बार दिक्कतें आती हैं। और वेस्ट है हमारी 39, तो इस नाप के अकॉर्डिंग हम आज आपको कटिंग करके दिखाएंगे। दोस्तों, इसके लिए मैंने 2.25 मीटर ये फैब्रिक लिया हुआ है। और इसको बिछाने का तरीका ये होता है, दोनों कन्नी वाले पार्ट आपस में मिलाते हैं और इनको ऐसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम ऊपर की साइड एक निशान लगाते हैं सीधा, इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पे लेंथ का निशान लगाएंगे। ये हमने आधा इंच इस निशान से ऊपर की साइड इंच टेप निकाल दिया है, जो कि बेल्ट के लिए होता है। और लेंथ है हमारी 39 और 2 इंच का हम फोल्ड के लिए निशान लगाएंगे नीचे की साइड। इन निशानों को हम आगे तक बढ़ा लेते हैं ऐसे, इस तरीके से। ये हमारी तैयार लेंथ होगी। अब फिर से हम यहाँ पे ऊपर की साइड आ जाएंगे। सबसे पहला जो निशान होगा हमारा आसन वाला होगा। यहाँ पे दोस्तों, जो हम आसन कटिंग करेंगे वो कटिंग करेंगे 12.5 इंच। 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि जितना भी हमारा हिप का नाप है, जैसे हैवी साइज होते हैं और जिनकी हाइट भी काफी होती है, तो उनको यहाँ पे चौथा भाग निकाल के, हम जैसे 49 है तो इसको जो हमारा चौथा भाग हो जाता है वो 12.25 इंच हो जाएगा, क्योंकि 12 × 48 और फिर 1 इंच बचता है उसका, ये 2 पॉइंट बचता है। तो हम 12.25 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसके बाद जो घुटने का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे यहाँ पे 20 इंच पे। इन निशानों को भी आगे तक बढ़ा लेते हैं, सीधा कर लेते हैं ऐसे। इस साइड में भी निशान लगा लेंगे सीधा। ये जो कन्नी होती है, कन्नी हमने बाहर की साइड निकाल दी है, ये काट देंगे। अब हमें साइज निकालना है यहाँ पे। तो साइज निकालने का भी यही तरीका होता है, जितना हमारा हिप का नाप होता है उसका पहले चौथा भाग 12.25 इंच, फिर इसके बाद हम 1.5 इंच की लूजिंग देंगे और यहाँ पे 2.25 इंच आसन की गोलाई के लिए रखेंगे। तो टोटल ये हमारा 16 इंच हो जाएगा, जो कि 16 इंच बिल्कुल 49 हिप के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक आएगा साइज। यहाँ पे यहां से हम सीधा कर लेंगे इस निशान को। और यहां पे जितना हमारा ये जैसे 16 इंच है तो हाफ पे निशान लगाएंगे। यहां पे भी हम 8 इंच पे ही निशान लगाएंगे। जो हमारे तीनों निशान है 8-8 इंच पे हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। ये सेंटर बनाने के लिए होते हैं निशान, और इन निशानों को हम आगे तक ऐसे बढ़ा लेंगे। इसी निशान के ऊपर हमें यहाँ पे प्लेट डालनी होती है, जिसको डट भी बोलते हैं। ये डालेंगे हम तकरीबन 4.5 से 5 इंच लंबाई वाली और 1.5 से 2 इंच चौड़ाई वाली। और यहां से हम 1.25 इंच डाउन करेंगे फ्रंट को। ये 1.25 इंच हमने डाउन इसलिए किया है, आपने देखा होगा जो जैसे पैंट डाली जाती है, पैंट प्लाजो डालते हैं तो बेल्ट के नीचे चुन्नटे आ जाती है, सलवट आ जाती है, इस तरीके से वो इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे अगर हम डाउन करके चलते हैं और यहां से बेल्ट ज्वाइंट करेंगे तो ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसलिए हैवी साइज में फ्रंट कम से कम 1.25 इंच आपने डाउन करके चलना होता है। अब हमें यहाँ पे साइड के निशान लगाने हैं। तो पहले हम मोरी का निशान लगाएंगे। यहाँ पे मोरी है हमारी 10 इंच, तो जो सेंटर वाला निशान है इससे 5 इंच इस साइड में और 5 इंच इस साइड में ऐसे निशान लगाएंगे। और शेप फट्टी की मदद से यहाँ पे इस तरीके से शेप डाल देंगे
आप सेब फट्टी को ऐसे पलटेंगे और इस साइड की भी जो निशान है ये कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमने सभी निशान अपने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे आसन की हमारी गोलाई आ जाएगी। ये देखो बिल्कुल आसान सा मैंने तरीका आपको समझाया है फ्रंट कटिंग करने का। इसके बाद हम फिर बैक साइड कटिंग करेंगे। सबसे पहले ऊपर से यहाँ पे कटिंग करते हैं। ये हमने साइड की कटिंग कर ली है। अब हम इस साइड की कटिंग करेंगे। ये हमने दूसरी साइड की भी कटिंग यहां पे कर ली है। तो ये देखिए दोस्तों फ्रंट हमारा हो गया है कंप्लीट कटिंग। इसके बाद हम बैक साइड कटिंग करेंगे और उसका भी कपड़ा इसी तरीके से बिछाते हैं जैसे हमने फ्रंट के लिए बिछाया है। बैक साइड के लिए हमने कपड़ा सेट कर लिया है अच्छे से और यहां पे फ्रंट रखते हैं ऐसे। अब दोस्तों सबसे पहला जो निशान होगा हमारा यहाँ पे लगाते हैं हम। देखो यहाँ पे 7 इंच तो हमने डाउन किया है। इसके बाद हमें तकरीबन यहाँ पे 3 इंच ऊपर की साइड या 3.5 इंच ऊपर की साइड उठाना होगा। इससे क्या होगा बैक साइड का हमारा आसन बढ़ जाएगा। जैसे हिप हैवी होती है तो यहाँ पे हमें इस तरीके से कटिंग करके चलना होता है ताकि हम बैक साइड का आसन बढ़ा सके और पूरा आसन अपना कवर कर सके। नहीं तो क्या होता है कि आसन छोटा पड़ जाएगा। इसलिए आपको बैक साइड हमेशा बड़ी कटिंग करनी होती है। जो हैवी साइज होते हैं उनमें तो 3.5 से 4 इंच तक, जैसे मैंने यहाँ पे 3.5 इंच ही तकरीबन हो गया है ये मेरा, यहाँ पे 3.5 इंच आएगा। 3.5 इंच मैंने बढ़ा के कटिंग की है। 4 इंच तक भी हम कर सकते हैं यहाँ पे ऊपर की साइड बढ़ाते हुए। अब एक निशान यहाँ पे लगाएंगे, एक निशान यहाँ पे लगाएंगे और एक निशान मोरी पे लगाएंगे। ये सभी निशान हमारे सीधे हैं। पहले निशान पे रखेंगे 1.25 इंच, दूसरे निशान पे रखेंगे यहाँ पे 1.5 से 2.25 इंच और जो तीसरा निशान ये लास्ट वाला होगा यहाँ पे रखेंगे हम 2.75 इंच। अब हम यहाँ पे एक दूसरे से इनको मिला लेते हैं। और यहां से जो फ्रंट का आसन होता है उससे हम सीधा ऐसे लेंगे निशान और यहाँ पे गोलाई डाल देंगे। तो ये बैक साइड का तरीका होता है निशान लगाने का। इन्हीं निशानों के ऊपर हमें कटिंग करना होता है। सिर्फ चेंजिंग हमने थोड़ी ये की है इस पैंट प्लाजो में कटिंग में। फ्रंट हमने डाउन किया है 1.25 इंच और बैक साइड हमने 3.5 इंच बढ़ा के कटिंग की है। बाकी नॉर्मल होता है हैवी साइज में। ये दो चीज आपको याद रखनी होती है। अब हम इन्हीं निशानों पे यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब हम इस साइड से भी कटिंग कर लेंगे जो दूसरी साइड होती है। फ्रंट के साथ साथ में कटिंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे पैंट प्लाजो की अपनी कटिंग कर ली है। जो हैवी साइज होता है 49 हिप का साइज होता है तो ये हैवी साइज में आते हैं। इनका कटिंग करने का यही आसान सा तरीका होता है कि हम फ्रंट और बैक कटिंग करते हुए इस पॉइंट पे ध्यान रखें कितना हमें बैक से उठाना होता है और कितना फ्रंट डाउन करना होता है, तभी हमारा पैंट प्लाजो परफेक्ट फिटिंग में आएगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं।
और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।